नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट, में हूँ कृष्णा उपाध्याय। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की वाइफ कल्पना सोरेन जी। आइए हम इनसे बात करते हैं। मैम, आपको कैसा लग रहा है हेमंत सोरेन जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री? मुझे पर्सनली ऐसा नहीं है, सबको एक बहुत खुशी का दिन था उस 29th को, और आने वाले जो हमारे 5 साल है, तो ये सभी को बधाई, सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई, सारे जनता को बधाई जिन्होंने बहुमत के साथ हमारे महागठबंधन को पूरा समर्थन दे करके एकदम सरकार में लाया। तो ये आप सभी को भी, आप मीडिया कर्मियों को भी बहुत बहुत बधाई। आप एक महिला हैं और मुख्यमंत्री की वाइफ हैं, आपकी दिनचर्या में क्या परिवर्तन आया है? कोई परिवर्तन नहीं आया, जैसा था वैसे का वैसे ही है। कोई परिवर्तन नहीं है, बस हाँ जल्दी उठना है, जल्दी काम करना है, थोड़ा लेट नाइट जैसे होता था वैसे, तो वैसे कुछ नया नहीं। चर्चा चल रहा है कि दुमका सीट में आपको खड़ा किया जाएगा। देखिए, चर्चा तो चलती रहती है, कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है, खबरें आती ही रहती है, लेकिन ये पार्टी का निर्णय है तो मुझे अभी इस पे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि पार्टी जो निर्धारित करेगी वही सर्वमान्य होगा। आप एक महिला हैं और जो निर्भया कांड के जो दोषी हैं उनको सजा मिल चुकी है 22 को, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी तक हम लोगों हमारे देश में ये जो आया था कि सज़ा चल रही है, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता था, तो गुनहगारों को सज़ा नहीं मिलती थी। तो ये जो न्यायालय का आया है रिजल्ट, इससे यही है कि सब लोगों को कानून के ऊपर जो भरोसा था वो बात, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोगों से बना है, तो यहाँ की जो एक बहुत एक आप कह सकते हैं कि बहुत सेंसिटिव केस है जिस पे एक निर्णय आया है, तो ये हम लोगों के लिए बीइंग अ वुमेन, क्योंकि हम सारे हैं, हम लोगों को इस भारत में रहना है, देश में रहना है, हमारे बच्चे हैं, तो इन सब की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, तो इसके लिए हम इनका स्वागत करते हैं। झारखंड में भी पहले जो बैठक हुई, पहला कैबिनेट बैठक हुई, तो उसमें पहले ही लगा कि हर जिले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार इसी के लिए ही है कि जितने सारे उन्होंने निर्णय लिए थे, संकल्प लिए थे, वो जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारे, तो ये हमारे उनका ये जो निर्णय आया इसका हम स्वागत करते हैं और सारे जनता इसका स्वागत करती है, तो ये जितने जल्दी धरातल पर उतरे उतना हमारे लिए अच्छा है, सबके लिए। लास्ट क्वेश्चन मैम, कि झारखंड की जनता से क्या आपकी? झारखंड की जनता से यही है कि आप अपने अधिकारों को, आप अपने कर्तव्यों को बखूबी जानें, आप हमेशा अवेयर रहिए, आपके अगल बगल क्या चीज़ें घटनी है, सिर्फ आप नहीं हैं जो इस समाज में रहते हैं, आपके अगल बगल में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो आप थोड़ा अवेयर होकर के, अलर्ट होकर के देखिए कि क्या हो रहा है, सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं जुड़ी है, आपके साथ में बहुत लोगों की ज़िंदगी जुड़ी है, तो आपका एक पॉजिटिव नेचर होना चाहिए, एक आंखें खुली रखनी चाहिए कि कहीं कुछ गलत है तो उसके विरोध में आप खड़े होइए, आप किसी को ज़रूरतमंद है तो आप उसका साथ बनिए, तो ये चीज़ें हैं कि हर एक इंसान को अगर एक एक इंसान करने लग जाए तो इसको बढ़ने और उसको खुशहाली और हरियाली होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ ही कल्पना सोरेन जो मुख्यमंत्री की वाइफ हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और बिहार झारखंड की तमाम खबरें के लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट के साथ। नमस्कार।